सुप्रभात बच्चों, आप लोग सभी मेरी हिंदी पुस्तक 1 निकालिए। आज कक्षा का कार्य रहेगा अध्याय 15 अह की मात्रा, पृष्ठ संख्या 50-51। अह की मात्रा में आप लोग देख सकते हो कि अह इसको विसर्ग बोलकर पढ़े जाते हैं। तो विसर्ग का चिन्ह ये है, ठीक है। अभी छ विसर्ग, छ न न म विसर्ग न म, अ में अंक की मात्रा, त में विसर्ग, तो बन रहा है अतः। ऐसा ही यहाँ प्रातः, दुख दुख, द में छोटा उ विसर्ग, ख दुख, शन श न में ऐ की मात्रा, विसर्ग विसर्ग भी है, शन शन ऐसा करके आप लोग उच्चारित कीजिए। अह की मात्रा का प्रयोग, अभी पहले व्यंजन के साथ प्रयोग कैसे किया जा रहा है देखिए। क प्लस आ की मात्रा विसर्ग ये हो रहा है क, उच्चारित उच्चारण जब हो रहा है उच्चारण तो क हो रहा है। देखा जाए ये जो ऐसा दिया हुआ है मात्रा जो है क्योंकि आ आ जो है उसका हिसाब से यहाँ दिया है हाँ। और आप लोग जब बोलिएगा तब क प्लस विसर्ग बोलने से ही चलेगा, क ख प्लस विसर्ग ख, ग प्लस विसर्ग ग, आ की मात्रा बोल के बोलने का कोई कोई दन, आप लोग आ की मात्रा मत बोलिए, ठीक है। सिर्फ आप लोग कैसे बोलेंगे क प्लस विसर्ग क, ख प्लस विसर्ग ख, ग प्लस विसर्ग ग, ख प्लस विसर्ग घ, च प्लस विसर्ग च, छ प्लस विसर्ग छ, झ प्लस विसर्ग झ, ठ प्लस विसर्ग ठ, ड प्लस विसर्ग ड, ढ प्लस विसर्ग ढ, ऐसा ही उच्चारित करने से चलेगा, ठीक है। उच्चारण ऐसा होना है। शब्द रचना में छ छ विसर्ग छ, अ त ने जो विसर्ग का जो मा देख सकते हैं आप चिन्ह दिया हुआ है, तो अतः उसके बाद पुनः दुख नमः अधः शनै प्रातः प्रायः फलत क्रमश मूलत अक्षरक्ष श दुशासन दुशाहस निशंकच निसहाय निःकाम। तो ये जो है ये आपका विसर्ग बोल बोल कर आपको पढ़ना है। अभी अध्याय जो है 15 उसका वाक्य रचना यहाँ है। वाक्य रचना आप लोगों को पढ़ना है, इसमें से प्रश्न जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
तो राम प्रातःकाल 6 बजे उठता है। प्रातःकाल शहर को जाता है। तो राम प्रातःकाल 6 बजे उठता है, यहाँ जो चित्र है आप लोग देख सकते हो, और प्रातःकाल शहर को जाता है। सुबह सुबह जो वॉक करना वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। भगवान को और माता पिता को नमः करता है, मतलब सम्मान करके नमः नमस्कार जो प्रणाम करना वो करते हैं डेली रोज का दिन। ठीक है, तो प्रातः काल उठ के मतलब ये जो राम है प्रातःकाल सुबह सुबह उठ जाते हैं 6 बजे। उसके बाद वो शेर को जाता है वॉक करने के लिए। भगवान को और भगवान के साथ माता पिता को भी नमः मतलब वो नमः करते हैं। प्राय ध्यान लगाकर पढ़ाई करता है, और प्रायः मतलब हर रोज वो अपना मन को पढ़ाई में लगाने का कोशिश करता है और लगाता भी है। कठिन शब्दों को पुनः पुनः याद करता है, जो शब्द कठिन है उसको एक बार दो बार तीन बार ऐसा पुनः पुनः बार बार करके उसको पढ़ते उसको पुनः पुनः क्या करते याद करता है। शनय शनय निसंकोच पाठ करता है, फिर अक्षर अक्षर लिखने की कोशिश करता है। पाठ तो करता ही है एक बार दो बार तीन बार करके, और वो जो अक्षर है उसको पाठ करने के बाद उसको लिख के देखता है कि ठीक मैं लिख रहे हैं कहाँ पर मेरा कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा है इस चीज़ को। अतः निस्संदेह परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है, और इस मेहनत के लिए परीक्षा जब होता है तो सबसे अधिक नंबर जो अंक मतलब अधिक नंबर अंक राम ही लाता है। वह सभी दुखी लोगों की सहायता करता है, जो दिन दुखी है उन लोगों को सहायता भी करता है। कौन करता है सब? राम। फलत सब उसकी प्रशंसा करते हैं, इस कारण के लिए सभी राम का प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, राम कब उठता है? प्रातः राम किसको नमः करता है? ग कठिन शब्द को कैसे याद करता है? राम का परीक्षा फल कैसा होता है? अंग राम किसकी सहायता करता है? इसका उत्तर मैं लिखी हूँ यहाँ। क का उत्तर, राम कब उठता है? राम प्रातः काल 6 बजे उठता है, मैं यहाँ उत्तर लिखी हूँ। ख का प्रश्न का उत्तर, प्रातः राम किसको नमः करता है? ख का उत्तर, प्रातः काल राम भगवान को और माता पिता को नमः करता है। ग प्रश्न ग, कठिन शब्दों को कैसे याद करता है? उत्तर, कठिन शब्दों को पुनः पुनः याद करता है, मतलब एक ही शब्द को एक बार दो बार नहीं होने से फिर तीसरे बार तो ऐसा करके चौथी बार ऐसा करके करते हैं। घ राम का परीक्षा फल कैसा होता है? उत्तर, राम का परीक्षा फल अतः निस्संदेह सबसे अधिक अंक लाता है। अंग राम किसकी सहायता करता है? राम सभी दुखी लोगों की सहायता करता है। तो ये उत्तर जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यानपूर्वक, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है च, निम्न शब्द में अह की मात्रा सही स्थान पर लगाएं। ये जो है सिर्फ छ लिखा है, आप इसमें
पिशर घर लगा दीजिए। मेरा ठीक से गिर नहीं रहा है। अच्छा, प्रातः विसर्ग लगाना है से पुनः सनय सनय इसको। अच्छा यहाँ दो ठो अतः दुखी दुखी तो यहाँ बीच में होगा, ठीक है। प्राय प्राय उसके बाद नम फलत लास्ट में होगा। अंतत क्रमश अंत में होगा। शत अंत में, मूलत अंत में, निशंकच बीच में, निसंदेह बीच में। तो ऐसा करके आपको विसर्ग लगाना है। नोट में जो दिया हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है, विसर्ग विसर्ग का विसर्ग का चिन्ह चिन्ह विसर्ग का चिन्ह किसी वर्ण के ओ दो बिंदु है उसका उच्चारण ह हलन जो है ह का नीचे देखिए हलंत है के समान होता है, जैसा प्रातः काल अतः आदि। तो आप लोगों को याद जो करना है वो है इस पेज को आप लोगों को पहले पढ़ना है, पेज 50 को पहले पढ़िए। और ये वाक्य रचना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग वाक्य रचना को पहले पढ़िएगा अच्छा से, उसके बाद जो प्रश्न का उत्तर है उसको पढ़िए। आज का गृह कार्य अध्याय 15 पृष्ठ संख्या 50-51 तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यानपूर्वक।